भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की सनगांव के शिवाला मंदिर में हुई बैठक। कार्यकारिणी के गठन करने के लिए प्रधान महासचिव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रहे उपस्थित। कानपुर जिले से आए प्रधान महासचिव आशुतोष मिश्रा ने पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र व कार्ड देकर सभी पदाधिकारियों को किया सम्मानित। वहीं प्रधान महासचिव ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा उन्हें यूपी के सभी जिलों में पहुंचकर कार्यकारिणी का गठन करने के लिए भेजा जा रहा है। आज फतेहपुर जिले से उन्होंने शुरुआत की है। वहीं फतेहपुर जिले में आने वाले चुनाव में सभी 6 विधानसभाओं से पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी। वहीं हाथरस घटना पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपना विकास कार्य भूलकर खुद का विकास करने में जुट गई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जिस तरह हाथरस में तथ्यों को छुपाने का काम सरकार ने किया है और मीडिया को वहां से भगाया है, बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हाथरस की बेटी को न्याय मिल पाएगा। डरने लगा तो वो कभी रेस में नहीं उतरे। तो सबसे पहले अपने अंदर डर ये हमें खत्म किया है कि हम रेस में उतरेंगे। गिरना, जीतना, हारना ये बात की बात है। पार्टी को किस तरीके मजबूत करने के लिए आप लोग कार्यरत हैं और पार्टी के क्या क्या संकल्प लिए हैं? जैसे अभी इस समय चल रहा है, भाजपा सरकार है और यहाँ पर भी कई ऐसे कांड हुए हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, भाजपा सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ये अपने एक विजन के साथ आगे बढ़ते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो विजन को भूल जाते हैं और किसी न किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष को लेकर चलने लगते हैं, जो कि जनता के विकास में रोड़ा बनते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, ये हालात सिर्फ और सिर्फ एक तरह से तानाशाही के भी हालात हैं, जिसमें जनता ने चुनाव तो किया था अपने विकास के लिए, परंतु वो अपना विकास करने लग गए, जनता का विकास भूल चुके हैं। अभी इस समय हाथरस कांड चल रहा है, जैसा देख रहे हैं कि, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हाथरस कांड में पूरी तरह से प्रशासन के अंदर गुंडागर्दी हुई है। जिस प्रकार से मीडिया कर्मियों को रोका गया, वहाँ समाज सेविकों को जाने से रोका गया और जिस प्रकार उस बच्ची का रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो किसी भी रीति रिवाज या संवैधानिक में सही नहीं है, और एक तरह से पूरा गुंडा राज्य के साथ वहाँ पर ये काम किया गया और पब्लिक की वहाँ पर पीड़ित की आवाज़ दबाने का कार्य किया गया, और आज भी मुझे उम्मीद नहीं है कि उस बच्ची को न्याय मिलने वाला है।